स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से भारत दस्तक के ऊपर। तो गाइस मैं एक ऐसी अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी के लिए जो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे देश के संविधान के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो मैं खबर आपको बताऊंगा वो देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को तार तार करने वाली है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी पंचायत चुनाव जो हुआ है यूपी के अंदर, उसका रिजल्ट भी आ गया है। समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया, बीजेपी को भी अच्छी खासी सीट मिली, बीएसपी को भी सीट मिली और नई नई मिली, आजाद समाज पार्टी भी अच्छा खासा कर पाई अपने लेवल पर। यह सब तो ठीक था, लेकिन क्या आपको पता है ब्राह्मणों ने दलितों के ऊपर हमला कर दिया पंचायत चुनाव को लेकर। हाँ, इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि जो कैंडिडेट होगा वो एक दलित हो सकता है, या फिर जिसको दलित लोग सपोर्ट कर रहे थे, ब्राह्मण जो वहाँ के अपर कास्ट के लोग हैं वो चाहते नहीं होंगे कि वो जीते और दलितों ने उसका सपोर्ट किया होगा और उसको वोट दिया होगा। ये दूसरा कारण हो सकता है पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से दलितों के ऊपर हमला हुआ। और ऐसे ही हमला नहीं हुआ है, चुनाव होते हैं, हमेशा चुनाव होते हैं, जो जिसको वोट देना चाहता है इस लोकतंत्र में उसको वोट दे सकता है, सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है। लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती करना, किसी के ऊपर धार हथियार से हमला करना केवल इसलिए कि जो उनका कैंडिडेट है वो जीत नहीं पा रहा है, हार रहा है और दलित समाज उस ब्राह्मण को या फिर उनके चुने हुए व्यक्ति को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमला करना और उनका खून तक निकल जाए इतनी उनके साथ बर्बरता करना। आपको मैं ज़्यादा फोटोज़ तो दिखा नहीं पाऊंगा यूट्यूब के गाइडलाइंस के वजह से, लेकिन कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से एक अच्छी धार वाले हथियार से ब्राह्मणों ने दलितों के ऊपर हमला किया। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ सारी खबर, ये खुद भीम आर्मी के जो नेशनल प्रवक्ता है सूरज कुमार बोध, उन्होंने ये पोस्ट करा है और ये सारी फोटो उन्होंने पोस्ट करी है, वहीं से मैंने सारी खबर ली है कि भाई किस प्रकार से जो यूपी के पंचायत चुनाव में ये 26 अप्रैल को हमला हुआ है, 26 अप्रैल को हमला हुआ, अभी तक मैं जो योगी प्रशासन है उसकी पोल खोलना चाहता हूँ, योगी प्रशासन की नाकामी दिखाना चाहता हूँ। 26 अप्रैल को ये हमला हुआ है और आज 10 दिन हो रहे हैं, आज की तारीख गिन लीजिए, 10 दिन हो रहे हैं, आज 5 मई तारीख है, 10 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों कोई भी पुलिस की तरफ से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, ना ही जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित लोग हैं उनका मेडिकल भी नहीं कराया है, क्योंकि वहां पर मालूम है आपको सवर्णों का राज है, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, सवर्णवाद, मनुवाद अपनी चरम सीमा पे काम कर रहा है यूपी के अंदर, यही चल रहा है दोस्तों। आप देखिए कुछ फोटोज आपने देख ली होगी, मैंने आपको दिखाई कि किस प्रकार से हमारे भाइयों को केवल इसलिए मारा गया है कि वो ब्राह्मणों की नहीं सुन रहे हैं। और एक बात आपको और बताओ कि मैंने कुछ वेबसाइट पे खबरें देखी, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी जो हमारे भोजन यूट्यूबर्स ने ही बनाई है कि ठाकुरों का सपोर्ट ना करने पर दलितों को मारा गया है पंचायत चुनाव के अंदर। होता है ना कि भाई यहाँ पर हमारा ठाकुर कैंडिडेट है तो आप इसको ही वोट दोगे, आपको इसको ही जिताना है, अगर उसके अपोजिट में कोई यादव, हमारा दलित भाई, कोई दूसरा खड़ा है तो उसको वोट नहीं दोगे, लेकिन अगर दलित दूसरे का सपोर्ट करते हैं, दूसरे कैंडिडेट का, तो ठाकुरों ने उनको मारा। और मैंने यहाँ तक छुपा सुना कि छत पे खड़े होकर जो दलितों की बस्तियाँ होती है वहाँ पर पत्थर फेंके गए ठाकुरों की ओर से, पत्थरों से मारा गया केवल इसलिए कि उन्होंने ठाकुरों का सपोर्ट ही नहीं करा वहाँ पर। और एक खबर और देखी मैंने कि जो दलित कैंडिडेट था उसका हराने के लिए, और उसको मतलब उसको दलित लोग सपोर्ट कर रहे थे कि हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा यार, हमारा दोस्त जीत जाए, तो क्यों दलित हमारे सामने एक दलित का सपोर्ट कर रहे हैं, इसको देखकर ठाकुरों में आग लग गई और फिर हमला किया गया। हालांकि ये खबरें मीडिया में नहीं आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबरें सिर्फ बहुजन यूट्यूबर्स बताएंगे, मैं बताऊँगा, मेरे भाई लोग बताएंगे, या फिर कुछ वेबसाइट है वो बताएगी। लेकिन दोस्तों ये होता है पंचायत चुनाव में, कुछ दोस्तों से भी मेरी यूपी की बात हुई है, वो बताते हैं कि हम पर दबाव बनाया जाता है कि ठाकुर हमारा भाई खड़ा हुआ है तो आप लोग हमारे ठाकुर को वोट दीजिएगा, बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं ये लोग, लेकिन अपना चरित्र तब दिखाता है जब ये लोग हार जाते हैं। यहाँ पर निश्चित जो सूरज भाई ने ये पोस्ट किया है, यहाँ पर निश्चित उनका कोई कैंडिडेट हार रहा होगा या फिर दलितों ने उसका सपोर्ट नहीं किया होगा, इसलिए ब्राह्मणों ने उनके ऊपर हमला किया धारदार हथियार से, उनको इस तरीके से बुरे तरीके से मारा, और पुलिस प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है। नहीं, आज तक 10 दिन हो गए हैं, पीड़ितों का कोई मेडिकल नहीं कराया गया है, और ना ही जो एक भी उनमें से एक भी अपराधी को जो मार रहे थे हमारे भाइयों को उनको पकड़ा हो,
ऐसा पुलिस ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, ठाकुर जी का राज चल रहा है, राम राज्य चल रहा है, वहां पर ठाकुर योगी इस प्रकार से अपना सुशासन चला रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं, आप लोग बताइए आज की वीडियो में नीचे कमेंट करके कि किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, लोगों को तानाशाही करी जा रही है मनुवादियों की तरफ से। नीचे कमेंट करिए फटाक से, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा दोस्तों।